हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडा वाला इसी में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिवस पर महिलाओं ने शिक्षक भर्ती पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही बड़े आंदोलन का आह्वान करने का फैसला किया है। लेकिन कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें कि जो चयनित महिला अभ्यर्थी हैं वो कई कारणों से, अपने घरेलू कारणों से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन एक दिन हिम्मत करके तो बाहर आना ही पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ आह्वान किया है एक चयनित महिला अभ्यर्थी ने, तो उनका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है और सभी के लिए एक आह्वान है कि सभी महिला शक्ति जो अपने घरेलू कार्य में व्यस्त हैं वो एक दिन का समय निकाल कर आएँ और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मैं और अधिक बात नहीं कर रहा, इस वीडियो को जहां तक हो अधिक से अधिक पहुंचाने का कष्ट करें व्यूअर्स। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का ये फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये जो वॉइस मैसेज है इसका संदेश पहुँच सके और 8 मार्च को एक विस्तृत कार्य की रूपरेखा के साथ में एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने कहा जा सके कि भाई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आप जल्दी से पूर्ण करें, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों का, लोगों का रास्ता साफ हो सके। तो दोस्तों सुनिए, वो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है एक, चलिए सुने। सुबह से ही आज मूड ऑफ हो गया है। आज मैं सुबह जब दूध लेने के लिए गई तो वहाँ एक सरकारी स्कूल की हेडमास्टर मैम आती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैम, विभाग ने सारी तैयारी कर ली है और उन्होंने मुझे बताया कि हमसे जानकारी मांगी गई है कि कितने लोग हैं आपके स्कूल में टीचर्स, और आप के स्कूल में आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी को मर्ज किया जा रहा है, और इस तरीके से वो सारे शिक्षकों की पूर्ति कर लेंगे और उन्हें नए शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। एक तरफ हम लोग हैं जो हम लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। 8 मार्च का दिन हम लोगों के लिए इतना सुटेबल दिन है कि उस दिन हम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट कितने ही प्रोटोकॉल लगाए, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी बेइज्जती होगी अगर वो हम लोगों के खिलाफ कुछ भी करती है। इसलिए हम लोगों को डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 8 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ भाग लें, ताकि सरकार को ये शर्मसार होना पड़े कि हम 8 मार्च महिला दिवस के दिन भी महिलाएं रोड पर हैं और इस तरीके से अपनी मांग रख रही हैं। हम लोगों को भूतेश चंद्रा जी को फॉलो करना चाहिए, और उस तरीके से अगर हम लोग ऐसी एक्टिविटी करेंगे वहां जाके तो मुझे लगता है कि हमारा काम बनने के 99% चांसेस है। और यही एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोगों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, और हम सभी महिलाएं साथ में होंगे जिनके बच्चे छोटे हैं यार, संभाल लेंगे एक दूसरे के बच्चों को। अगर हम लोग यही बहाना बनाते रहेंगे कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, अगर कुछ अर्जेंसी आ जाती है तब भी तो हम लोग घर से बाहर निकलते ही हैं ना। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैम जब जॉब लग जाएगी तब तो मैम रेगुलरिटी आ जाएगी, फिर तो करना ही पड़ेगा, तो मैडम वो रेगुलरिटी आने वाली नहीं है आपकी लाइफ में। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कोई रेगुलरिटी नहीं आने वाली है। आप लोग हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों के साथ सुखी रहेंगे अपने घर में, और जो लोग प्राइवेट जॉब करती हैं उनको पता होगा कि प्राइवेट जॉब का क्या मतलब होता है। जहाँ 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं वहाँ तो का तो मैं नहीं जानती हूँ, बट जिन स्कूलों में अच्छी सैलरी मिलती है प्राइवेट जॉब में, मुझे नहीं लगता कि टीचर वहाँ जिंदा दिखाई देते हैं, जिंदा होते नहीं हैं, इतना शोषण किया जाता है उन लोगों का। और अगर हम सभी लोग उस शोषण के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ बी एट योर होम और डोंट कम। हम लोगों को तो ज़रूरत है तो हम लोग तो जाएंगे। अगर मेरे इस वॉइस मैसेज के बाद भी महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि हमें निकलना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, ये जानते हुए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 8 मार्च तक की बढ़ाने के लिए कोशिश करें। 1 तारीख लास्ट डेट है, आप प्लीज़ 1 तारीख तक आप लोग अपने अपने नाम दे दें, अन्यथा मैं नहीं समझती कि हम लोगों का कुछ भी होने वाला है। जिन लोगों को ये लगता है कि अप्रैल में हो जाएगा तो वो तो ख्वाब अब टूट ही चुका है। जुलाई में पॉसिबिलिटी मुझे ना के बराबर नज़र आ रही है, मैं आपको बता दूं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 1 तारीख को विधानसभा में जब हमारा प्रश्न उठाया जाएगा तो हमारा कुछ बनेगा, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि वो लोग क्या जवाब देने वाले हैं। वो लोग सीधा यही जवाब देंगे कि कोर्ट में मामला चल रहा है और
हम लोगों का जैसे ही जवाब आ जाएगा, कोर्ट का फैसला हो जाएगा, हम लोग भर्ती कर देंगे। तो कोर्ट का फैसला कभी नहीं आएगा, कोर्ट का फैसला ऐसे ही लटका रहेगा और हमारा कुछ भी नहीं होगा। और या फिर हम लोग खुद भी कोर्ट केस कर सकते हैं, जब हमारी भर्ती कैंसिल हो जाएगी तब हम लोग खुद कोर्ट केस कर देंगे और नई तारीखों का इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि प्लीज 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 आइए, घर से बाहर निकलिए और अपनी महिला शक्ति को आप प्रदर्शन करिए, और आप लोग बताइए कि आप लोग परेशान हैं। और अगर परेशान नहीं है तो प्लीज घर पर रहिए, मैं तो फिर यही कहूंगी, क्योंकि हम लोग जो जा रहे हैं वो वाकई परेशान हैं। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये आप अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसा करके, आपको आपकी अंतरात्मा गवाही देती है कि आपके लिए कोई और लड़ रहा है, आप अपने लिए भी नहीं लड़ना चाहते, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात और दूसरी हो नहीं सकती है। तो प्लीज़ 8 मार्च को घर से बाहर निकलिए, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है, अन्यथा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कितने प्रोटोकॉल्स लगा दिए गवर्नमेंट ने, धारा 144 लगा रखी है, यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, और आप देखिएगा कि ये वाले प्रोटोकॉल्स कभी जीवन में ख़त्म होने वाले नहीं है। एमपी गवर्नमेंट अपनी सारी हदें भूल चुकी है और वो अपना मन की कर रही है, और वो अपने मन की ही करेगी, क्योंकि हम उनको उनके मन की करने दे रहे हैं। महिला दिवस पे हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और हम लोग उनके खिलाफ कोई भी बेकार प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ हाथ जोड़ के उनसे विनती करने जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनको कि हमारा काम करें, ताकि हम लोग परेशानियों से बचें। हम लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं, और हम लोगों को इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, या तो गवर्नमेंट हमें बिल्कुल मना कर दे कि हम जॉब नहीं दे सकते, एक जवाब हम जरूर लेके आएंगे वहां से, या हाँ या ना, आप मना कर दो या फिर आप हमें हमारा पोर्टल अपडेट कर दो। दोस्तों, इस संदेश को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी महिलाओं को ये संदेश पहुंच सके, और निश्चित रूप से 8 मार्च को एक सफल, एक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कह सकें मुख्यमंत्री के सामने और इस गवर्नमेंट के सामने। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जल्द ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। धन्यवाद।